दोस्तों फ्री मॉकअप भी हो गया सवाल भी पूछ लिया अब आपने एक और एक्साइटिंग ऑफर देनी है रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट मैजिक ट्रिक्स अप द स्लीव्स, को रिलेटिंग विद सिमिलर वर्क इन द पास्ट इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि जो प्रोजेक्ट है अगर उससे रिलेटेड सिमिलर काम किया है मिलता जुलता काम किया है तो भाई अपने एम्प्लॉयर को बता दें ताकि उसको पता लग जाए कि मैं किसी अहरे गहरे से काम नहीं कर रहा दिस गाय दिस फ्रीलैंसर नोज वट दे आर टॉकिंग अबाउट दो तरीके या तो मैंने ऐसा काम किया हो पहले तो मैं लिंक दे दूंगा कि भाई देखिए आप मैंने ऐसा काम किया हुआ और परेशानी कोई नहीं आई कैन डू योर वर्क एज वेल दूसरा आपने काम नहीं किया थोड़ा सा टाइम लगा के एक सैंपल वगैरह बना के फेसबुक पे अपलोड कर दें और उसका लिंक दे दें कि देखिए जी मैं आजकल एक एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहा हूं और ये एक इमेज है जो उनके लिए बनाया था जो आपके काम से मिलता जुलता है ये काम इसमें तो चलो इमेज की बात हो रही है ना इस एक पर्टिकुलर वीडियो में एज एन एग्जाम्पल वही रैनी का प्रोजेक्ट चल रहा है क्योंकि ही वॉन्ट्स अ कोट डिजाइन काम किया वाहट बनाई हो एनी बना थिंग मैंने तो दस साल से काम कर रहा हूं ऐसे बेतहाशा प्रोजेक्ट्स किए हुए आई कैन को रिलेट विद द एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलर पोर्टफोलियो अफ डन इन द पास्ट भाई आपके लिए मैंने एक बड़ा आसान नुस्खा बताया थोड़ा सा टाइम लगा के आधा एक घंटा बना के कुछ सैंपल वगैरह अरेंज कर दीजिए और उसको कहीं अपलोड करके जैसे मैंने फेसबुक का एक एग्जाम्पल दिया फेसबुक फ्री होता है ना अपलोड करना कोई मुश्किल काम नहीं होता तो वो आपके लिए एक एग्जाम्पल बन गई मैंने एक मोटिवेशन स्पीकर जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो इनका नाम है टाई हॉवर्ड ही लिव्स इन यूएसए

और मेरा काम था इनके लिए ग्राफिक्स का काम करना ये जो साइट बनी हुई है इसमें सारे ग्राफिक्स जो आपको नजर आ रहे हैं ये आपके भाई ने बनाए यानी कि मैंने सारे के सारे काम इस पे ग्राफिक्स के चाहे इनका फेसबुक हो चाहे इनका इंस्टाग्राम हो चाहे इनकी वेबसाइट की वीडियोस पे इमेज एडिटिंग हो चाहे इनके कोर्ट हो जबकि रेनी के पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को हम डिस्कस करें जिसमें वो कोट कार्ड मांग रहे हैं मैंने ऐसा बहुत काम किया हुआ है इस प्रोजेक्ट पे सो आई एम एम गोना डू इज कॉपी दिस लिंक गो एट दाइट इट इन सच अ वे कि एम्प्लॉयर को लग पता जाए मैं ये नहीं कह रहा कि पता लग जाए मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ। एम्प्लॉयर को लग पता जाए कि भाई मैं बेस्ट हूँ अपने काम में आई एम द चैंपियन मेरे से आगे कोई नहीं मैंने अपने कंपेटिटर से कंपेटेटिव एज ले लिया फ्री मौकअप दे के भी सवाल पूछ के भी जिसका वो जवाब देगा और उसको एक ऐसी एग्जाम्पल दे के भी जो रेलिवेंट है क्योंकि वो खुद भी मोटिवेशन स्पीकर है रनी साहब तो देखते हैं मैं क्या लिखूंगा देखिए दोस्तों मैं यहां पे यह बता रहा हूं कि मैं ऑन गोइंग काम कर रहा हूं टी वाई हॉवर्ड के साथ जो मेरा क्लाइंट है जिसका ताल्लुक अमेरिका से है और ये उनकी वेबसाइट का लिंक है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं फिर मैं इस भाई की थोड़ी तारीफ कर रहा हूं और मैं थोड़ी सी प्रोफेशनल जेलसी भी लेके आ रहा हूँ रनी के अंदर क्योंकि वो भी मोटिवेशन स्पीकर है मैं यहाँ पे ये यह बता रहा हूँ कि ही इज़ अ डायनेमिक मोटिवेशन कॉमा इंस्पिरेशनल मोटिवेशन स्पीकर यू प्रॉबली हैव हर्ड ऑफ ना तो चांस है कि रैनी साहब इतना बड़ा अमरीका है कि उन्होंने मिस्टर टी वाई हॉर्वर्ड के बारे में सुना होगा और ना चांस है कि मिस्टर टी वाई हॉर्वर्ड इतने फेमस होंगे बट मैंने एक प्रोफेशनल जेलसी क्रिएट करा दी एक रेजोनेंस क्रिएट करा दी के भाई वो बहुत डायनेमिक स्पीकर है मैं उनका मंथली काम कर रहा हूं ऑन गोइंग मंथली कॉन्ट्रैक्ट है भाई मैं अगर उसका काम कर सकता हूं तो नेचुरली अंडरस्टूड है आई एम जस्ट एस्किंग हिम टू रीड बिटवीन द लाइन आई कैन डू दैट फॉर यू एज वेल इसके साथ साथ मैं इनको यह बता रहा हूं कि जनाब मैंने इनके साथ मंथली कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ है टू डिजाइन द कोड्स इंक्लूडिंग वीडियोज फॉर हिज वेबसाइट एंड सोशल मीडिया मैंने ना सोशल मीडिया में फेसबुक का जिक्र किया ना इंस्टाग्राम का जिक्र किया दोनों लिंक्स टी वाई हॉवर्ड की वेबसाइट पे बॉटम पे पड़े हुए फेसबुक का भी इंस्टाग्राम का भी मैंने बात को कंसाइज रखा यहां पे ये भी जहन रशीन रहे बहुत जरूरी है ये बात समझना कि लंबिया नहीं लगानी मैं जो ये पंजाबी का वर्ड यूज करता हूं टू द पॉइंट रहना है जहां पर बात समराइज हो सकती है उसको समराइज करेंगे हम मैं ये भी कह सकता था कि आई हैव डिजाइंड कोट कार्ड्स

यू आर क्रिएटिंग रेजोनेस विध रिगार्ड्स टू यूर बेड कि आप एम्प्लॉयर को बता रहे हैं कि भाई वो तो बड़ा डायनेमिक वो बड़ा इंस्पिरेशन स्पीकर है उसका काम मैं मंथली कर रहा हूँ कब से हूँ इंप्लॉयर भी सोचता रहेगा मैंने ये नहीं बताया मैं चार साल से कर रहा हूँ मैं दस साल से हूँ वैसे बता दो तो हर्ज नहीं मैंने जरा ओपन एंड रखा है सो दिस इज हाउ यू यू नो गिव द रेलिवेंट एग्जाम्पल टू योर एम्प्लॉयर गिव अ रेलिवेंट पोर्टफोलियो है तो बहुत अच्छी बात नहीं तो थोड़ी देर लगा के बना लो और उसको फेसबुक पर डाल के आ, इस तरह के यू नो यू हैव टू टेक द चांसेस और होपफुली जब ये सारे सवाल होते हैं तो इन एम्प्लॉयर कन्विंस होता है अगला पार्ट देखते हैं जनाब अगली वीडियो में इसी बिट से रिलेटेड और क्या मैं पूछ सकता हूँ और क्या ऐसी चीज़ है जो एम्प्लॉयर को एक्साइट करे पी ओपन करने में